हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारा दो टाइप से होता है। फर्स्ट मेरा है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, या इसको हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं, और सेकंड मेरा होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब हम इन दोनों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेरा है नॉन इंटरेक्टिव और पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि ये हमारे वन वे होता है। मींस इसमें हमारा जो यूजर को जो चीज दिखाया जाएगा मॉनिटर पर या उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, उसको ये चेंज नहीं कर सकता है। और इसका लाइव एग्जांपल है जैसे कि हमारा टीवी। टीवी में क्या होता है कि जो चीज हमें दिखाया जा रहा है हम उसी को बार बार देखेंगे, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड मेरा क्या होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल होता है वो यूजर के हाथ में होता है। और इसका एग्जाम्पल है पिंग पोंग गेम। पिंग पोंग गेम में क्या होता है कि हमारे यूजर के हाथ में कंट्रोल होता है। वो कभी इस साइड में अपना गेम स्टार्ट करता है या कभी इस साइड से स्टार्ट करता है। मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब गेम को स्टॉप कर रहा है, कम कैसे कंट्रोल कर रहा है। और यह प्रोसेस क्या होता है हमारा टू वे होता है। मीन्स इसमें जो हमारे कंप्यूटर जो कंप्यूटर में कंप्यूटर है मेरा और जो यूजर है, वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह के हम इसको हम इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या है, जैसे कि हायर क्वालिटी इसमें मिलती है, हमें मोर प्रिसाइज रिजल्ट और प्रोडक्ट भी मिलते हैं, इससे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी भी होती है और लोअर एनालिसिस, और इसमें डिजाइन कॉस्ट भी कम होती है। तो ये टोटल ऑल अबाउट मेरा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।